नमस्कार, आप देख रहे हैं भाग्यफल। आपके साथ मैं हूं चंद्रश्री राजपूत। आज भाग्यफल में हम बात करेंगे, प्राचीन काल से ही हल्दी को शुभ और मंगलकारी माना गया है। सनातन धर्म में कोई भी शुभ कार्य हल्दी के बिना पूरा नहीं होता और हल्दी का पीला रंग उसे गुरु ग्रह बृहस्पति से जोड़ता है। इसीलिए कुंडली में बृहस्पति ग्रह को बलवान बनाने के लिए अलग अलग तरह से हल्दी का प्रयोग होता है। ज्योतिष के अनुसार देवताओं ने ग्रह बृहस्पति को एक शुभ देवता और ग्रह के रूप में माना गया है, जिनकी शुभ दृष्टि से व्यक्ति को सुख, सौभाग्य, समृद्धि, लंबी आयु, धर्म लाभ होता है। आमतौर पर देवगुरु बृहस्पति शुभ फल की प्रदान करते हैं, लेकिन अगर कुंडली में ये किसी पापी ग्रह के साथ बैठ जाए तो कभी कभी अशुभ संकेत भी दे देते हैं। तो हल्दी का हमारे जीवन में या फिर इस रंग का हमारे जीवन में क्या कुछ प्रभाव पड़ता है, इसी के बारे में हम जानेंगे। ज्यादा जानकारी देने के लिए हमारे साथ जुड़े हैं ज्योतिष परिषद एवं शोध संस्थान अध्यक्ष ज्योतिषाचार्य डॉक्टर पुरुषोत्तम गौर्जी। आचार्य जी, बहुत स्वागत है आपका। जी धन्यवाद। श्री राम, जय राम, जय जय राम, मेरे राम की जय हो। तो अगर आपके मन में कोई सवाल या शंका है, आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं, हमारे नंबर पर आप कॉल कर सकते हैं। हमारा नंबर है 0120715387, 0120715386। इन नंबर पर आप कॉल करिए, हमारे साथ जुड़िए और ज्यादा से ज्यादा कॉलर्स आज हमारे साथ जुड़े, इसी की हम उम्मीद करते हैं। आज का जो हमारा विषय है आचार्य जी, वो हमने रखा है हल्दी को लेकर, कि हल्दी किस तरीके से इस रंग का असर होता है, क्या शुभ चीजें हैं जिनमें इसका इस्तेमाल किया जाता है, क्यों मंगलकारी होता है इसका इस्तेमाल। देखिए, हल्दी का जो प्रयोग है वो प्रत्येक शुभ मंगल कार्य के लिए होता है। और ये आपने बिल्कुल ठीक कहा, बृहस्पति के अशुभ होने पर बृहस्पति के कुर प्रभाव को दूर करने के लिए हल्दी का प्रयोग किया जाता है। और ये बात सही है कि हल्दी का जो प्रयोग है वो अशुभ होने से बृहस्पति बहुत कुछ अशुभ कर देता है, जैसे विवाह में विलम्ब कर दे, पढ़ाई लिखाई में बाधा डाल दे, मान सम्मान में हानि कर दे, रोजगार का संकट पैदा कर दे। बृहस्पति से बहुत सारी चीजें इस दोष से जुड़ जाती हैं। तो इस दोष को दूर करने के लिए धार्मिक मान्यताओं के अनुसार बृहस्पति देवता को पीला रंग अत्यधिक प्रिय होता है, और यही कारण है कि उनकी पूजा में हल्दी का प्रयोग हम लोग करते हैं। और साथ में हल्दी का जो प्रयोग होता है वो प्रयोग बड़ा सहज भाव से, बड़ी सरलता से आप कर सकते हैं। गुरुवार के दिन सुबह गांठ वाली पीली हल्दी को पीले धागे बांध करके गले या बाजू में पहनने से आपको पुखराज की तरह काम करता है और बृहस्पति ग्रह को मजबूत बना देता है। देव गुरु बृहस्पति को प्रसन्न करने के लिए गुरुवार के दिन चने की दाल, हल्दी, पीले वस्त्र और बेसन के बने लड्डू किसी योग ब्राह्मण को दान करने से, और उसमें केले भी रख दें, तो आप माने कि उसको बहुत जो है मान सम्मान, यश, कीर्ति, वैभव का विस्तार होने लगता है। इसी प्रकार से किसी वर वधु जो शादी के योग बच्चे हैं और उनका शादी तय हो गया, वर वधु के रूप में जा रहे हैं, पर वहां कोई अड़चन आ रही है, तो हल्दी आप प्रतिदिन पानी में डाल करके स्नान करने लगे और उसके बाद हल्दी का तिलक लगाना शुरू करें, तो आप देखिए वो व्यवधान दूर हो जाता है। कई बार बड़ा मुसीबत हो जाती है चंद्र जी कि किसी की शादी तय हो गई, सब कुछ हो गया, और उसके बाद दोनों में आपस में कोई वैचारिक मतभेद होने लगे, तो उसको तुरंत रोकथाम करना चाहिए ताकि वो बड़ी खाई नहीं बने, और उसको रोकथाम के लिए हल्दी बहुत बहुत जो है कारगर होती है। हल्दी का प्रतिदिन आपको भगवान विष्णु की आराधना के बाद हल्दी का चंदन तिलक करना चाहिए। किसी भी शुभ कार्य करने के लिए अपने सिर पर आपको हल्दी का तिलक लगाना चाहिए। देवगुरु बृहस्पति को प्रश्न करने के लिए ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः और हल्दी का तिलक करें, ये बहुत शुभ होता है, सकारात्मकता देता है। केसर और हल्दी दोनों को मिलाकर के पानी में डाल करके स्नान करने से आपको आर्थिक तंगी दूर होती है। हल्दी का तिलक लगा के रखने से आर्थिक संकट दूर होता है। पुखराज ठीक पुखराज की तरह काम करता है। जैसा कि अभी चंद्र सिंह जी ने बताया कि सनातन धर्म में कोई भी शुभ कार्य हल्दी के बिना पूर्ण नहीं होता, हल्दी का पीला रंग जो है ग्रह बृहस्पति से जुड़ा हुआ है, इसलिए अपने बृहस्पति को बलवान करने के लिए हल्दी का प्रयोग आपको अपने जीवन में करना चाहिए। इसका बड़ा लाभ होता है, जैसा कि लाभ आपने आपको बताया, लेकिन देव गुरु बृहस्पति की कृपा पाने के साथ साथ आपको अपने हेल्थ का भी जो है फायदा देती है। हल्दी को वैज्ञानिक दृष्टिकोण से भी एक तरीके से एंटीबायोटिक के रूप में देखा जाता है। जैसे कोरोना काल में हल्दी का दूध
बड़ा फेमस हुआ है, हल्दी का दूध पीने लगे लोग, हल्दी का सेवन ज्यादा करने लगे। जो प्रतिदिन हल्दी, कच्ची हल्दी को थोड़ा खाता है, उसको जीवन में कभी कैंसर नहीं होता। हल्दी का प्रयोग बहुत महत्वपूर्ण होता है, और जो खास तौर पे व्यापारी हैं, व्यापार करते हैं, तो अपने गले में, अपने तिजोरी में, अपने अकाउंट सेक्शन में हल्दी की गांठ जरूर रखें, और 5 या 7 या फिर 11 गांठ जरूर रखनी चाहिए। साबुत धनिया और कमलगट्टा, ये रखना बहुत ही लक्ष्मी को जो है खींचने वाला कार्य है। और ये छोटी छोटी चीजें जो है, जैसे अभी आपने बताया कि एस्ट्रोलॉजी में देवगुरु बृहस्पति एक शुभ देवता है, पर जिसकी दृष्टि व्यक्ति के सुख और सौभाग्य को देखती हो या उस पर पड़ रही हो, और वहां बृहस्पति आपका नीच का है या बृहस्पति दुष्ट ग्रहों के साथ बैठा है, ऐसे में ये प्रयोग करना बहुत लाभप्रद होता है। आपको अपने पढ़ाई लिखाई में बाधा यदि आती है तो भी हल्दी का प्रयोग कर सकते हैं। आप कोई कॉम्पिटिशन दे रहे हैं, IAS RAS प्रशासनिक सेवा या SSC किसी तरह की तैयारी कर रहे हैं और उसमें परेशानी आ रही है, तो आप हल्दी से थोड़ा सा चुटकी भर के डाल के स्नान करें, हल्दी का तिलक लगाएं और हल्दी लोटे में डाल के सूर्य को जल चढ़ाएं और शाम को सुबह तक लेगा जी। जी, तो हल्दी का प्रयोग आचार्य जी ने आपको बताया कि इससे क्या कुछ लाभ हो सकते हैं और क्या कुछ किस तरीके से आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। हमारे साथ कुछ कॉलर्स भी जुड़ना शुरू हो चुके हैं, कि करके कॉलर्स को लेते हैं। पहले कॉलर जो हमारे साथ जुड़े, अपना नाम और अपना सवाल बताएं। हेलो जी। हेलो पंडित जी, भाई नाम। हाँ जी, आयुष्मान खुश हो, जय श्री राम जी। पंडित जी, मैं मिसेज के बारे में पूछ रहा हूँ, जैसलमेर से बोल रहा हूँ जी। उसका जन्मदिन है 2/5/70, सुबह 4 बजे आगरा जी। इसके पंडित जी, कुछ न कुछ तकलीफ होती रहती है, कभी पैर में दर्द, कुछ पीड़ा रहती है, कुछ न कुछ चालू ही रहता है इसकी, क्या तकलीफ? अच्छा, देखिए आपका मैं बताना चाहूंगा कि आपकी जन्म पत्री जो है मीन लगन की है, और मीन लगन में यहाँ शुक्र का महादशा चल रहा है, राहु का अंतर चल रहा है और बृहस्पति का प्रथम चल रहा है, और ये आपको अभी 30/3/2027 तक राहु का अंतर रहेगा, तब तक परेशान। आप वाइप के ऊपर से उसार करके और हरे मूंग उसार करके क्षमा करना, तो यहाँ इसको उसार करके मंगलवार के दिन भिगो दें और सुबह बुधवार दिन उबाल के ठंडा करके और गाय को देना शुरू करें, 1.25 पाव या 1 पाव या 1 मुट्ठी जो भी आप दे सकते हैं, तो आपको स्वास्थ्य में बहुत फायदा दिखेगा, बहुत छोटा काम है। या फिर आप सिंघाड़े के आटे का गोलियां बना करके और मछलियों को देना शुरू करें, ये भी बहुत फायदेमंद रहेगा। आप ये दोनों काम कीजिए, अवश्य आपको लाभ होगा, बहुत मंगल शुभकामनाएं। अगले कॉलर का रुख करेंगे। अगले कॉलर जो हमारे साथ जुड़े, अपना नाम और अपना सवाल बताएं। जी नमस्कार। जी नमस्कार। मैं बिहार से बोल रही हूँ। हाँ जी, मैं अपने घर के बारे में जानना चाहती हूँ। अपना नाम और अपना सवाल बताइए। जी, नाम पूजा कुमारी। जी, जन्मतिथि भी बताएं। नहीं, ऐसा है पूजा कुमारी जी, मैंने आपका प्रश्न कुंडली बना दिया, चूंकि आप परिवार के लिए पूछ रही हैं, आप व्यक्ति विशेष के लिए पूछते तो आपके हम कुंडली लेते। आपका बेटी, ये जो मैं प्रश्न कुंडली देख पा रहा हूँ, तो ये आपके मकान में पूरब को देखता हुआ है, लेकिन ये बात सही है, कोई राइट साइड में पानी का स्रोत भी है, पानी का कोई जलाशय या कोई इस तरह का बरता है, उसी के पास में कोई मंदिर है आपके गांव का, वो जो मंदिर है वो आपका पैतृक कह सकते हैं कि सभी का कुल देवता जो होते हैं वो ऐसा मंदिर है, तो कृपा करके आप अपने पूजा, आप तो हमसे जुड़ी हुई हैं, हमेशा फोन करती हैं, बहुत बार पूछा भी है, और मैं समझता हूँ कि आप दिन हमारे प्रोग्राम को देखती भी हैं, आप ये भी करें, और इसके अतिरिक्त कर सकते हैं तो अपने घर में से पीली सरसों गुरुवार के दिन घुमा करके और चौराहे पे उसको ऐसे फेंके, तो ये 7 गुरुवार आप करिए, तो आपका एकदम ठीक होने लगेगा, परिवार में सब सुख शांति और समृद्धि वैभव का विस्तार होगा। आप ये कीजिए, आपको बहुत मंगल शुभ आशीर्वाद है जी। अगले कॉलर की ओर बढ़ेंगे। अगले कॉलर जो हमारे साथ जुड़े, अपना नाम और अपना सवाल बताएं।
अच्छा जी आपको राम राम। अच्छा जी आपको राम राम। हाँ राम राम साहब। और मैं ये जानत कल आपने मोरपंख के बारे में बताया था आचार्य जी, तो ये है कि मेरे पास 4 मोरपंख हैं, मतलब बड़े बड़े गुच्छे हैं। तो मैंने एक तो अपनी पत्नी शारदा की तिजोरी में रख दिया, एक मोरपंख ही बनाई हुई थी उसको मैंने अनिल के तिजोरी में रख दिया। अब मेरे पास 2 है जो उसको उत्तर, आपके कहने से मैंने उसको उत्तर पश्चिम में लगा दिया, एक हिस्सा मेरे मंदिर में दक्षिण पूर्व में रखा है। तो ये कैसा है, शुभ है या नहीं है, इनको बदले कहीं, इसके बारे में बताएं। देखिए वास्तु के अनुसार घर में मोर पंख को हमेशा पूर्व दिशा में रखना चाहिए। वास्तु के अनुसार ये दिशा मोर पंख रखने के लिए काफी शुभ मानी गई है। और रहा सवाल ये कि आपने मोर पंख को अपने गले में भी रख सकते हैं। गले का मतलब होता है कि मोर पंख यदि आप पूर्व उत्तर में रखते हैं तो बहुत लाभ देने वाला रहेगा। वास्तु शास्त्र के अनुसार घर में मोर पंख रखना काफी शुभ कारक होता है। और घर में मोरपंख रखने से सिर्फ आर्थिक तंगी दूर नहीं होती बल्कि सुख शांति का भी वास हो जाता है। और हालांकि घर में मोरपंख रखने से पहले ठीक दिशा को जान लेना चाहिए, तब भी मोरपंख रखना चाहिए। वास्तु के अनुसार मोरपंख को यदि आपने रखा है पूर्व उत्तर में तो फिर आपको कहीं घबराने की आवश्यकता नहीं है। और दूसरा है कि आपको जो ये छोटा सा कार्य हमने बताया कि आप मोरपंख को पूर्व उत्तर में रखें तो सूर्य देव और इंद्र देव को माना जाता है ये दिशा का मालिक, तो लक्ष्मी का वास होता है। और ये आप करें आपको बहुत लाभ होगा। आपने पूजा घर में रखा वहां भी रखा बहुत अच्छा है, और मोर पंख को घर की उत्तर पश्चिम दिशा में भी रख सकते हैं आप धन लाभ कमाने के लिए। बहुत मंगल शुभकामना आपके लिए जी। अगले कॉलर का रुख करेंगे, अगले कॉलर से हमारे साथ जुड़े, अपना नाम और पता बताएं। हेलो जी पंडित जी, मेरे को मानसिक अशांति ज्यादा रहती है, कारण छोटी छोटी बातों में। और पत्नी का स्वास्थ्य अभी हड्डियों से संबंधित कभी मानसिक अशांति हो, तो दोनों उसमें क्या कारण है और मुझे क्या करना चाहिए, मैं चांदी पहन सकता हूँ क्या, सादा मार्गदर्शन करें सादा बोलें। देखिए बहुत आशीर्वाद है मनोज जी आपको, एक बहुत मैं थोड़ा सा धैर्य से बता दूं कि आप ध्यान पूर्वक इस बात को सुनना कि आपके घर में पितृ दोष है। और मैंने आपको पहले हमारे चैनल के माध्यम से बताया गया था कि सुबह आप गंगा जल गौमूत्र को मिश्रण करके पीले फूल से घर में छिड़के, और संध्या को गूगल धूप आती है, एक धूप आती है सादा और एक गूगल, दोनों को मिला करके मिश्रण करके और फिर अग्नि में जला करके और फिर जो है आप धुआं करें पूरे घर में, तो आप ये करेंगे तो निश्चित रूप से आपका ठीक होगा। और ये आप करिए बिना पैसे का इलाज है, और बाकी अनावश्यक अनर्गल और टेंशन मत करिए। इससे क्या आपका वाद विवाद भी नहीं होगा, मनमुटाव भी नहीं होगा, घर में सुख शांति भी होगी और स्वस्थ भी होंगे। यदि आप कर सकते हैं तो ये करिए, बहुत अच्छा रहेगा जी। और अब वक्त हो गया आचार्य जी आज का राशिफल जानने का, तो आइए हम बात करते हैं सबसे प्रथम मेष राशि से। आज मेष राशि के सभी जातकों के लिए दिन बहुत अच्छा रहने वाला है। कार्यस्थल पर आपको बहुत कुछ बदलाव देखने को आज मिल सकता है। संतान की ओर से सुखद समाचार आज आपको प्राप्त हो रहा है। वहीं आज आपके परिवार में अच्छा माहौल रहेगा। सहकर्मियों के सहयोग से आज महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट की आज आप सफलता प्राप्त कर पाएंगे। आप बात करते हैं वृषभ राशि वाले लोगों की। आज वृषभ राशि वाले जातकों को आय व्यय के बीच बैलेंस बनाना चाहिए। आर्थिक संकट का सामना करना पड़ सकता है। व्यापार करने वालों को आज शुभ समाचार प्राप्त हो सकता है। प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी करने वालों को सफलता आज मिल सकती है। घर पर कोई मांगलिक कार्यक्रम आज हो सकता है। और बात करते हैं मिथुन राशि वाले लोगों की। मिथुन राशि के जातकों को आज पिता का साथ प्राप्त होगा। कार्यस्थल पर उच्च अधिकारियों का सहयोग मिलेगा। कार्य क्षेत्र में आपको कई नई जिम्मेदारियां भी मिल सकती हैं। भाई बहन के साथ चल रहा मनमुटाव आज खत्म होने की संभावना दिखाई देती है। लव लाइफ बहुत अच्छी रहने वाली है। बड़े बुजुर्गों का आशीर्वाद आज आपको प्राप्त होगा। पर अब बात करते हैं कर्क राशि वाले लोगों के लिए। आज लंबी दूरी की यात्रा आपको करनी पड़ेगी।
कोई सुखद समाचार मिल सकता है। परीक्षा की तैयारी करने वालों को आज आवेदन करना चाहिए। व्यापारियों के लिए व्यापार विस्तार होना तय है। आज मित्रों से बहुत सहयोग प्राप्त होगा। पर बात करते हैं सिंह राशि वाले लोग, आज आर्थिक दिक्कतों का सामना आपको करना पड़ सकता है। संतान का भरपूर सहयोग प्राप्त होगा। पारिवारिक दिक्कतें आज दूर होंगी। वाद विवाद से दूर रहें। कारोबार में वृद्धि बन रही है। परिवार का साथ प्राप्त होगा। आत्मविश्वास में वृद्धि होती है। आज गुस्से पर काबू बनाए रखें। और बात करते हैं कन्या राशि वाले लोग, आज धन लाभ मिलने की संभावना है। निवेश के अच्छे अवसर प्राप्त होंगे। शिक्षा से जुड़े लोगों को अच्छे परिणाम प्राप्त होंगे। जीवन साथी के साथ अच्छा समय बिताने का मौका आज प्राप्त हो सकता है। खर्चों पर काबू पाएंगे। आपको कोई अपना कार्य सच होता हुआ दिखाई देता है। और बात कर रहे हैं तुला राशि वाले लोगों के लिए, आज किसी मित्र पर धन खर्च करना पड़ सकता है। परिवार की कलह से मन परेशान रहेगा। सरकारी नौकरी करने वालों को आज अच्छे परिणाम प्राप्त होंगे। सेहत का पूरा ध्यान रखना चाहिए। बच्चों की सेहत पर नजर बनाए रखें। आर्थिक स्थिति से आज आप बेहतर बन पाएंगे। और अब बात करते हैं वृश्चिक राशि वाले लोग, कामकाज के कारण व्यस्तता रह सकती है। धन का निवेश कर सकते हैं जिससे आपको लाभ प्राप्त होगा। धन से जुड़ी प्लानिंग करने से आपका भविष्य बहुत अच्छा बनेगा। खर्चों पर काबू बनाए रखें। और बात करते हैं धनु राशि वाले लोगों की, आज व्यवसाय में धन खर्च करना पड़ सकता है। आय में वृद्धि हो रही है। रुपये पैसे से जुड़े कार्यों में सतर्कता बरतें, वरना धन हानि हो सकती है। नौकरी पेशा करने वालों को नई जिम्मेदारियां आज प्राप्त होंगी। व्यापारियों को मुनाफा होगा। जीवन साथी के साथ अच्छा समय व्यतीत होता है। पर बात करते हैं मकर राशि वाले लोगों की, आज मकर राशि के लोगों को प्रोफेशनल लाइफ में सफलता प्राप्त हो रही है। मन बहुत प्रसन्न रहेगा। रोजी रोजगार में तरक्की मिलेगी। अच्छे अवसर की प्राप्ति हो रही है। वाहन प्रयोग में सावधानी बरतें। लव लाइफ में उतार चढ़ाव का सामना करना पड़ेगा। आज मन की कोई बात पूरी हो रही है। पर बात करते हैं कुंभ राशि वाले लोगों के, आज आपका मन बहुत प्रसन्न रहेगा। आज आर्थिक लाभ हो रहा है। विवाह के लिए कुछ लोगों को अच्छे प्रस्ताव मिलेंगे। बिजनेस में लाभ होगा। कार्यस्थल पर आपकी स्किल की तारीफ हो सकती है। धन से जुड़ी परेशानियां खत्म हो रही हैं। माता पिता का सहयोग प्राप्त होगा। कार्यस्थल पर भागदौड़ ज्यादा रहेगी। और अब बात करते हैं मीन राशि वाले लोगों की, मीन राशि वालों को आज अधूरे कार्यों में सफलता हासिल होगी। कुछ लोग कर्ज उतारने में सफल रहेंगे। सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे छात्रों को शुभ परिणाम मिलेंगे। जीवन साथी के साथ अच्छा समय बिताएंगे। संतान को महत्वपूर्ण कार्यों में सफलता प्राप्त होगी। इस प्रकार से आज का हमारा अपना यह है राशिफल। जी, तो आज का विषय भी जाना और आज का राशिफल आपका क्या रहने वाला है ये भी आचार्य जी ने आपको बताया। आचार्य जी हमारे साथ जुड़ने के लिए, जानकारी देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। शुभ आशीर्वाद, सुप्रभात, मेरे राम की जय हो।